आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा टॉपिक है चाहे वो हमारे ओलंपियाड के पर्पज से हो चाहे वो मिडिल स्टूडेंट्स हो मिडिल से लेकर के हायर तक के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टाइप के एग्जाम के पर्पज से तो यहाँ पे आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसका उसकी स्टडी उसकी डिस्कवरी Uh, उसका स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मेथड्स अकरेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देन डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड ये आज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब सबसे पहली बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या रीजन uh, है कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की नीड है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अब एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जनरेट होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस क्यों है ये ग्रीन हाउस गैस हमें ये पता है कि अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है सन ही ऐसा एक एनर्जी का बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है जिससे कि सब सभी को एनर्जी किससे मिलती है सन से मिलती है तो सन से एनर्जी ड्यू टू द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन हमारी अर्थ पे आती है और रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेस का फिनोमिना क्या होता है कि जब भी वो किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करेगी जब भी वो किसी सरफेस से क्या करेगी टकराएगी तो कुछ पार्ट तो उस सरफेस के उस पार निकल जाता है कुछ पार्ट उसमें रिफ्रेक्ट हो जाता है रिफ्लेक्शन और reflection दोनों का फिनोमेना होता है। तो यहां पे जो अर्थ की रेडिएशन है वो अगर अर्थ सन की रेडिएशन है जो अर्थ तक आ रही है अर्थ पे आने के बाद उसमें जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट रेडिएशन है वो तो क्या हो गई है वो रिटर्न हो जाती है लेकिन जो लॉन्ग वेव है उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है अपने में ट्रैप कर लेती है और ट्रैप करने के बाद वो क्या होता है दीस रेडिएशन जो है जिनको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है वही है पूरे एटमॉस्फेयर को वार्म रखने का रीजन तो अगर यहां पे ये बात की जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को सपोज हम थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अर्थ से क्या करें इस एटमॉस्फेयर से हम इसे रिमूव कर दें सपोज हमने पूरे एटमॉस्फेयर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा पूरी की पूरी अर्थ जो है हमारी क्या होगी आ, बर्फ से ढक जाएगी पूरी की पूरी जो अर्थ है वो हमारी फ्रीज हो जाएगी एक बर्फ के गोले की तरह ये हो जाएगी तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे एटमोस्फियर को हमारे अर्थ को गरम रखने का काम करता है अब गर्म रखने का काम करता है दैट मीन्स हमको इसका जो अमाउंट uh, है वो फिक्स अमाउंट होना चाहिए वो इंक्रीज भी नहीं करना चाहिए ना तो हमें ज़्यादा गर्मी चाहिए ना तो हमें ज़्यादा ठंडक चाहिए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि 0.03 से 0.04 के बीच का परसेंटेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे अर्थ पे क्या होगा उसका इतना परसेंटेज वहां पे होना चाहिए तो चलिए अब हम इसकी डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि कार्बन का एक आटम है जो किसके साथ अटैच है ऑक्सीजन के दो एटम के साथ अटैच है तो सपोज अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा कार्बन है ये हमारा क्या है ये हमारा कार्बन है और ये हमारा रेड वाला क्या है ऑक्सीजन है और ये बीच में किससे है दो हमें स्टिक्स दिख रही हैं दैट मीन दीज स्टिक्स रिप्रेजेंट टू द डबल बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसको समझते हैं कि ये क्या है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम समझते हैं तो सबसे पहले बात आती है कार्बन की तो कार्बन क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स और इधर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है एट तो अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर सिक्स है और एटॉमिक नंबर एट सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रगेशन ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन तो चलिए इसको समझते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रगेशन इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रगेशन क्या होगा टू एंड सिक्स मीन्स फर्स्ट सेल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती देन रिमेन इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे हमारे हमारे आएंगे अगले में तो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा टू एंड फोर तो फर्स्ट सेल कंटेन टू नेक्स्ट वन कंटेन फोर इलेक्ट्रॉन देन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एंड फर्स्ट सेल कंटेन ओनली टू इलेक्ट्रॉन देन रिमेन इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे वो आउटर मोस्ट सेल पे टू एंड सिक्स तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पहली चीज हम ले रहे हैं कार्बन तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस तो फर्स्ट सेल पे हमने बनाया टू इलेक्ट्रॉन इसे हम डिफरेंट कलर से लेते हैं तो ये हो गए वन एंड टू अब आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सेल पे बात करें अपन तो नेक्स्ट सेल पे कितने हो जाएंगे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है फोर तो चलिए हम इसे भी देखते हैं तो ये बना दिया हमने टू टू ये हो गया इधर टू और इधर टू मीन्स टू इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल और फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया कार्बन का अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तो ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर के लिए ये हो गया हमारा सबसे पहले न्यूक्लियस इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेल। सेल तो पे क्या हो हमारे इलेक्ट्रॉन वन एंड टू अब यहाँ पे बात आती है अगले सेल की तो नेक्स्ट सेल पे हमको कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे देने हैं तो सिक्स इलेक्ट्रॉन दैट मीन वन टू वन टू अब यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टू यहाँ पे लेते हैं तो आउटर मोस्ट सेल पे काउंट करिए सिक्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए अब हम इधर की बात करते हैं तो अगर यहाँ हम एक ऑक्सीजन और ले रहे हैं तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस फर्स्ट सेल देन आगे आ गया हमारा सेकेंड सेल अब इसमें भी क्या होगा फर्स्ट सेल पे टू इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट सेल पे कितने हो गए हमारे पास वन टू थ्री फोर ये ले लिए फाइव और Six. तो ये हो गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन मींस अब यहाँ पे बात आती है कि ये हो गया हमारा कार्बन एटम और ये हो गए दो हमारे पास ऑक्सीजन एटम कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फोर इलेक्ट्रॉन बट अभी इसके पास कितने हैं फोर इलेक्ट्रॉन है इसे फोर और की नीड है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसे और कंप्लीट करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन की नीड है इसे भी टू इलेक्ट्रॉन की नीड है तो अब क्या करेंगे अगर सपोज ये क्या करेगा शेयरिंग बाय दिस वन एंड दैट वन देन अगेन शेयरिंग बाय दिस वन एंड दैट वन इधर अगर हम बात करें तो इधर भी शेयरिंग करेगा ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अब अगर हम कैलकुलेट करें तो इस ऑक्सीजन पे तो इस ऑक्सीजन पे सिक्स ये टू इसके मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट इसका हो गया कार्बन अब इसका ऑक्सीजन का देखिए सिक्स इसका दो इधर इसने क्या किया शेयरिंग कर ली तो एट कंप्लीट और ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे समझते हैं ये हो गया इसका लिविस स्ट्रक्चर वहां पे क्या था हमारा ऑर्बिटल हमने क्या बनाया था अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये क्या है हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर हम इसे लिविस से समझते हैं तो लिविस स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओनली रिप्रेजेंट बाय द डॉट एंड आउटर मोस्ट सेल ओनली तो क्या होगा आउटर मोस्ट सेल पे फोर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे यहाँ पे कितने हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा सपोज अब हम क्या करते हैं इससे इसकी शेयरिंग और इससे इसकी शेयरिंग अब यहां अगर हम दे दें इससे इसकी शेयरिंग और इससे इसकी शेयरिंग तो फोर ये टू इसने इससे लिया टू इससे एट कंप्लीट अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन ने इन टू से और इस ऑक्सीजन ने इन टू से तो सारे के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो कि अभी हमने डिस्कस किया तो ये है टोटल तो यहाँ पे अब हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ बिकॉज ऑफ क्या है यहाँ पे दो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है फिर ऑक्सीजन मींस ये है इसका स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर समझ लिए अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से डिस्कवरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की तो डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सिक्सटीन थर्टी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन हेलमोट इन्होंने क्या बताया कि अगर हम क्या करें चार इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगी सीओ गैस का फॉर्मेशन होगा मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी क्या कौन बताया था सिक्सटीन थर्टी की यह बात है इसके बाद आगे बढ़ी 1775 पे नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक इन्होंने ये बताया कि अगर हम मेटल के कार्बोनेट को डायलोट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड उस समय इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था अभी हम आगे उसको डे बाय थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे क्लियर करते हैं जोसेफ ब्लैक ने क्या बोला कि अगर हम मेटल का कार्बोनेट मेटल को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया मेटल का कोई भी कार्बोनेट यहां पे एम कुछ भी हो सकता है एम यहाँ पे क्या हो सकता है सोडियम हो सकती है कैल्शियम हो सकती है मैग्नीशियम हो सकती है पोटासियम हो सकती है कुछ भी मेटल यहाँ पे हम ले सकते हैं उसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको डायलूट एसिड के साथ हमको किससे रिएक्शन करानी है डायलूट एसिड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगी सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसने बताया 1775 में जोसेफ ब्लैक ने हमको इसके बारे में बताया इसके बाद एंटोनी लेवाइजर ने इसके बारे में पूरी स्टडी की मींस इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आगे चल के किसने की एंटोनी लेवाइजर ने लेटर एंटोनी आई एन ई एंटोनी लेवाइजर ने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की उस समय इसका नाम क्या था उस समय इस गैस का नाम था एसिड कार्बोनिक इसका नाम था एसिड कार्बोनिक आगे चल के इसका नाम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1630 में वैन हेलमेंट ने क्या बताया चारकोल को अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो CO2 का फॉर्मेशन होगा 1775 में जोसेफ ब्लैक ने ये बोला कि मेटल कार्बोनेट की अगर हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पे मिलेगी तो ये थी जनरल डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब अपन बात करते हैं स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हमको ये कैसे मिलती है अक्रंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे पहली बात अपन देते हैं इन फ्री स्टेट इन फ्री स्टेट फ्री स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी जीरो परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमको फ्री स्टेट पे मिलती है कहाँ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हमको फ्री इन एयर ये हमको मिलती एयर कुछ हमको और कहाँ मिल सकती है वॉलकैनिक रीजन पे उनकी रॉक पे हमको मिलती है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रॉक ऑफ वॉल्केनिक रीजन वॉल्केनिक रीजन तो ये हो गया सेकेंड थर्ड है इन नेचुरली In natural water. In natural water, क्या मिल रही है हमको 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 पे पे मिलेगी? मिलेगी। में ये अब अपन देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या हम यहाँ पे लेंगे प्रपरेशन ऑफ सी ओ टू तो चलिए प्रिपरेशन ऑफ सी ओ टू में पहली जो मेथड है बाय बर्निंग ऑफ बाय बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो बर्निंग ऑफ कार्बन में अगर हम यहाँ पे किसी भी कार्बन के कंपोनेंट को फॉर एग्जाम्पल चारकोल हो गया वो कोल हो गया इस किसी को भी कार्बन प्लस अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो क्या बनाएगा सी ओ टू और क्या बनेगा साथ में हीट निकलेगी तो ये हो गई अगर हम इसके कंपाउंड को बर्न करें कंपाउंड फॉर एग्जांपल लिया हमने सी एच फोर मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न किया तो ये बनाएगा सीओ टू और वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा तो टू एंड टू से हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये हो गया टू एच टू ओ तो इस तरीके से हमको क्या मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड की फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस करी इसके बाद आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकती है बाय हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट क्या है नेक्स्ट चलिए समझते हैं बाय हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स बाय तो मेटल के बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल एमसी थ्री ये मेटल का कार्बोनेट और ये मेटल का बाय कार्बोनेट एच सी ओ अब यहाँ पे अगर हम कार्बोनेट लें तो मेटल का कार्बोनेट का फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर कार्बोनेट तो यहाँ पे अगर हम कॉपर कार्बोनेट को क्या करेंगे हीट देते हैं सो बाय हीटिंग इट चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड along with copper oxide we also get carbon dioxide next agar hum yahan pe le lete hain calcium carbonate calcium carbonate liya aur usko diya heat ye humko mila calcium oxide along with calcium oxide we also get co2 to ye ho gaya hamare metal ke carbonate अगर हम बात करें कि metal bicarbonate कार्बोनेट क्या होते हैं और किस तरीके से हमको मिलते हैं तो मेटल बाय अब हम यहाँ पे देखेंगे एन ए एच सी ओ थ्री इसको हमने दे दिया हीट हीट देने के बाद हमें क्या मिलेगा एन ए टू सी ओ थ्री और क्या मिलेगा एच टू ओ और मिलेगा हमको सी ओ टू इसको बैलेंस करना है दो नंबर से बैलेंस होगी अब हम आगे बढ़ते हैं अगर हमको मेटल का कार्बोनेट ये मिला सपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं के एच सी ओ थ्री पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने किया हीट heat. हीटिंग अगर की तो हीटिंग मिलेगा के टू मिलेगा थ्री के टू सी ओ थ्री नेक्स्ट एच टू ओ और मिलेगी CO2 टू गैस इसको बैलेंस करना है तो टू नंबर से बैलेंस होगी अब आगे हम देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो कि जोसेफ ब्लैक ने बताई थी क्या है किसी भी मेटल के कार्बोनेट को किसके बाय कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ सो बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटलिक कार्बोनेट एंड बाय एंड बाय एंड बाय तो अब यहां पे अब हम बात करते हैं मेटल के बाय सपोज हमने ले लिया सी ए सी ओ थ्री इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको एसिड के साथ डायलूट एसिड लेना डायलूट एसिड कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे डायलूट एसिड अब एसिड में क्या क्या ले सकते हैं हम एच हैं एल ले सकते हैं एसिडिक एसिड ले सकते हैं कुछ भी यहाँ पे हम एसिड ले सकते हैं बट एसिड कैसा होना चाहिए डायलूट तो डायलूट एसिड लिया अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सी ए सी एल टू सी ए सी एल टू के साथ एच टू ओ देन मिलेगी सी ओ टू इन फॉर्म ऑफ गैस ये हमको मिलेगी इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगर यहाँ पे हमने कैल कैल्सियम कार्बोनेट लिया सपोज हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री और हमने इसकी रिएक्शन करा दी एच टू फोर के साथ एच टू फोर के साथ हमने रिएक्शन करा दी हमें मिलेगा क्या Na2SO4 और क्या मिलेगा H2O और मिलने वाला है CO2 तो ये हो गई हमारी रिएक्शन मींस Na2CO3 Na2CO3 के साथ हमने क्या बनाया Na2SO4 H2O और CO2 ये हो गई हमारी अनदर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके इसके कुछ और रिएक्शन को देख लेते हैं अग, अगर हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट पे हमने क्या लिया अभी सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम यहाँ पे लेते हैं एच तो क्या मिलेगा ये देखते हैं तो वहां पे एन बना था यहाँ पे क्या बनेगा NaCl बनेगा NaCl और क्या बनेगा एच और क्या बनेगा CO2 टू यही प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl सी एल बना इसके बाद अब अगर हम देखें एन ए एच सी ओ थ्री प्लस एच सी एल अब क्या बनाएगा ये NaCl सी एल फिर बनेगा एच टू ओ बट अब हमको यहाँ पे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है तो NaCl सी एल देखो एन ए का वन है तो सी एल भी एक है तो एन ए सी एल हो गया एच टू ओ हो गया सी ओ टू ऑलरेडी हमारी इक्वेशन बैलेंस है अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लें अगर यहाँ पे बात करें हम कि सोडियम बाय कार्बोनेट की हम किससे रिएक्शन करा दें एसिडिक एसिड से तो भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एन ए एच थ्री की रिएक्शन अगर हम किससे करा दें एसिडिक एसिड से सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसिडिक एसिड बोलते हैं इसे हम वेनेगर भी बोलते हैं और हम इसे एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं तो ये सारे नाम हो गए एनए सीओ थ्री सी एस थ्री एच क्या बनाएगा हमको सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए बनेगा प्लस एच टू ओ बनेगा एलोंग विथ एच टू ओ सीओ टू भी हमको यहाँ पे रिलीज होगा तो ये हो गई कुछ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद अब अगली प्रिपरेशन मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड को डिटेल में अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिससे कि हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो तो आगे देखते हैं हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू